ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲਬਾਗ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 45 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। इट्स टू प्रीमेच्योर टू से बट सस्पेक्टेड यही है कि कुछ इनके पहले भी कुछ इस तरह के इनपुट्स या कुछ ऐसे ग्रुपबाजी थी जिसमें कि सस्पेक्टेड है कि कोई जो गैंगस्टर ग्रुप के हैं उनके साथ हुआ हो। बट आई हैव सीन दी यहाँ डॉक्टर्स हैव ट्राइड टू रिवाइव हिम बट अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ नॉट हैपेंड। सो वी आर ऑल्सो ये इंसिडेंट बेसिकली जो इनका अखाड़े हैं गोलबाग एरिया में वहाँ पे हुआ है एंड अपेरेंटली ही वॉज वहाँ कोई एरिया जहाँ ये लोग नहाते वगैरह हैं कुश्ती वगैरह के साथ वहाँ ये इंसिडेंट हुआ है। अभी कंफर्म नहीं है बट अपेरेंटली 3 गोलियाँ लगी हैं। बाकी तो पोस्टमार्टम और उस पर होगा जो भी चीज़ें हैं। नो ही वॉज ब्रॉट हेयर सम एफर्ट्स हैव बीन डन बाय द मेडिकल टीम एंड देन जस्ट नाउ दे हैव डिक्लेयर्ड हिम डेड। सी we take any crime any serious crime as a challenge and if whoever has done this kind of an incident we will take not only strict legal action we are going to go really after them. dekhiye ye jo murder hua hai ha ji aur kyunki abhi police ne jo alert jari kiya uske bavjood ye hua hai ye hamare samne ek bahut bada challenge hai jo hamare samne hua hai और ये पुलिस प्रशासन और पूरी सरकार हमारे मंत्री सोनी जी सब लोग इस पे लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो भी दोषी है उनको पकड़ा जाए और पुलिस इस पे एक्टिवली काम कर रही है। और क्योंकि पहले से जो थ्रेट था उनको पहले भी थ्रेट चल रहा था और वो एक काउंसलर थे और मैं महसूस करता हूं कि ये हमारे लिए नमोशी का दिन है।